हेलो फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो आज चेन्नई वर्सेस आरसीबी का मैच खेला जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 के 49वें मैच में चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना हो रहा है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है फ्रेंड्स, और जो फैसला बिल्कुल सही साबित होने वाला है। चेन्नई और आरसीबी के बीच मुकाबला हमेशा हाई वोल्टेज रहने की उम्मीद रहती है, क्योंकि वहां पर विराट कोहली है और इधर धोनी है। दोनों टीमें में से एक से बढ़कर एक स्टार है। इस सीजन में पहले मैच में भी ऐसा कुछ देखने को मिला था, जब चेन्नई वर्सेस आरसीबी का मैच उस दिन हुआ था। 217 रन का लक्ष्य 217 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने 193 रन बना लिए थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड का नजर डालें तो इस दोनों टीमें अभी तक 29 मैच खेले गए हैं, जिसमें 20 मैच सीएसके जीते हैं और 9 मैच आरसीबी जीती है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, आज का मैच कौन जीतेगा? अगर आपको लगता है आरसीबी तो कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 2018 से आरसीबी चेन्नई के खिलाफ 9 मैच खेली है, जिसमें सिर्फ 2 ही मैच जीत मिली है आरसीबी को। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग में आज है फेफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, महिपाल नोमरोड, वाहिंगर संगा, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, जोस हेजलवुड, ये सब आरसीबी के प्लेइंग 11 है जो आज मैच खेलेंगे। और सीएसके की प्लेइंग 11 आज है फ्रेंड्स, ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, मोइन अली, रोबिन थप्पा, अंबाती रायडू, एमएस धोनी, रविंदर जडेजा, ट्रायन पीटर्सन, सिमरजीत सिंह, मुकेश चौधरी, महेश थिरुन। फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगा। यूजफुल साबित हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।